हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक हैं। मैं कान्हा जी से डेली प्रार्थना करती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें। शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं खाने के बाद जो लंच बच गया था उसे मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके रख दे रही हूँ। और सारे बर्तन को मैं खाली करके सिंक में रख दूँगी धुलने के लिए। मैं पहले पानी से सभी को क्लीन करके बाहर निकाल लूँगी, फिर उन्हें डिटर्जेंट से वॉश करूँगी। और आज मैंने बर्तन को लंच के बाद नहीं धुला था, थोड़ा आलस आ गया था आज, मैं सो गई थी इसलिए इतना टाइम हो गया मुझे बर्तन धुलने के लिए, न वरना मैं बर्तन को पहले धुल लेती हूँ। और बच्चों ने आज फरमाइश की है कि मम्मी आज आप केक और मैगी रोल बनाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, केक बनाने के लिए मैंने चीनी को पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पाउडर के जैसा पीसा है इसे, बिल्कुल ये खड़ा नहीं है। और पार्ले जी बिस्किट है, हस्बैंड ढेर सारा लाए थे तो मैं आज उसी का केक बनाऊंगी। मैं सारे बिस्किट के पैकेट को खोल लूँगी, पैकेट हाथ से नहीं खुल रहा था इसलिए मैंने चक्कू से इसे पहले थोड़ा फाड़ लिया था, फिर मैं सारे बिस्किट को बाहर निकाल लूँगी। इसी तरीके से मैं सारे पैकेट को खोल लूँगी। और अब मैं इस जार में जितना बिस्किट आएगा एक बार में उतना मैं इसमें तोड़ के सारे बिस्किट को डाल लूँगी और मैं इसका पाउडर बना दूँगी। दरदरा पाउडर नहीं फ्रेंड्स, मैं इसे बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में बनाऊँगी, बिल्कुल स्मूथ बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में हो गया है और बिल्कुल स्मूथ है। ये देखिए बिल्कुल इसमें खड़े दाने नहीं बचे हुए हैं बिस्किट के। इसी तरीके से मैं सारे बिस्किट को भी पीस लूँगी और इसे एक बड़े बाउल में जिसमें मैं केक बनाऊँगी उसमें रखती जाऊँगी सारे बिस्किट को। अब इस पाउडर में मैं बेकिंग सोडा, 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालूँगी, क्योंकि पाउडर ज़्यादा है तो इसलिए मैंने 2 चम्मच लिया है। ये बिल्कुल छोटा चम्मच है, आप देख सकते हैं। मैंने बेकिंग सोडा के अलावा कोई भी पाउडर नहीं ऐड किया है, बेकिंग पाउडर और भी कुछ जैसे इनो वगैरह ऐड करते हैं लोग, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। और ये पिसी हुई चीनी भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और अब मैं तीनों चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद मैं दूध से इसका बैटर तैयार कर लूँगी। मैंने बैटर तैयार करने के लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, सिर्फ दूध से ही मैंने बैटर को तैयार किया है। और मैं धीरे धीरे से इसे मिक्स करती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं बैटर को तैयार कर लूँगी। अगर मैं ज़्यादा दूध डाल देती हूँ तो बैटर जो है वो बहुत गीला हो जाएगा और फिर मुझे उसके लिए अलग से फिर बिस्किट को पीसना पड़ेगा, फिर इसमें डालना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालकर बैटर तैयार करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बैटर कितना स्मूथली बना है। ये देखिए इसी फॉर्म में, इसी थिकनेस में हमें बैटर चाहिए था। अब मैं बैटर को एक्टिवेट होने के लिए आधा घंटा छोड़ दूंगी इसे। गेट पर पड़ोसी आए थे, उनके बच्चे का बर्थडे है तो बच्चों को इनवाइट करने आए थे, मैं उन्हीं से मिलने गई थी बाहर। जब तक बैटर एक्टिवेट होगा तब तक मैंने सोचा मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। और ये 2 दिन के कपड़े थे, हमारे यहाँ तो डेली 2 बजे से पानी शुरू हो जा रहा है इसलिए आज 5-6 दिन के कपड़े हैं जो सूखे नहीं हैं, पर आज सूख गए हैं क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी हुई थी। पर वो 2 बजे तक ही थी, 2 बजे के बाद फिर पानी शुरू हो गया। पता नहीं क्या हो रहा है, कैसा मौसम हो गया है कि जब देखो पर डे 2 बजे के बाद पानी शुरू हो जा रहा है, फिर पूरी रात पानी जो है वो बरस रहा है, फिर सुबह मौसम अच्छा हो जा रहा है लेकिन फिर 2 बजे से पानी शुरू हो जा रहा है। इसलिए कपड़े आज सूख गए थे धूप में, तो मैंने सोचा कि आज इन्हें अलमारी में लगा दूँ। और बहुत सारे कपड़े थे, 5-6 दिन के कपड़े थे पूरे। ये काम करते करते मुझे प्यास भी बहुत तेज़ लग गई थी तो रुपेश पानी लाकर दे दिया कि मम्मी आप पी लीजिए यहीं पर बैठकर। रुपेश घर में ही है पर छवि छत पर खेल रही है अपनी डॉल के साथ, वो खेल रही है, घर घर खेल रही है वो। और मैंने सारे कपड़ों को अब फोल्ड कर लिया है और इन्हें अलमारी में लगा दूंगी। बारिश में कपड़े सूखते नहीं हैं तो उन्हें रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनमें स्मेल भी बहुत अजीब आती है और हमें सोचना पड़ता है कि कपड़ों को हम कहाँ फैलाएं घर में कि ये सूख जाएँ। पंखे के नीचे तो हल्के फुल्के ही सूखते हैं पर पूरी तरीके से नहीं सूख पाते हैं। और अब आधे घंटे हो गए हैं और मैं किचन में आ गई हूँ,
केक को बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई को चढ़ा लिया था और हाई फ्लेम पे उसे प्री हीट होने के लिए रख दूंगी। 10 मिनट मैं इसे रखूंगी ढक करके ताकि अंदर से बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। फ्रेंड्स, अगर घर में ओवन ना हो तो हम केक को इस तरह से भी बेक कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इस बर्तन में बनाऊंगी। ये पतीला बिल्कुल केक टिन की तरह दिखता है और ये एल्युमिनियम का भी है। अब मैं इस पतीले में ब्रश की हेल्प से ऑयल लगा दूंगी, अच्छी तरीके से ऑयल लगा दूंगी। फ्रेंड्स, अगर बटर पेपर ना हो तो आप इस तरीके से बटर पेपर बना के आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें नीचे ऑयल लगाने के बाद ऊपर से मैंने इस पेपर को बिछा दिया है और ऊपर से भी मैं इसे ऑयल लगा दूंगी ताकि ये पूरी अच्छी तरीके से ऑयल एब्जॉर्ब कर ले ये पेपर। और मैं साइड साइड में भी ऑयल अच्छी तरीके से लगाऊंगी और फिर मैं एक पतली सी पट्टी काट लूँगी पेपर की। आप कोई भी पेपर ले सकते हैं पर वो सादा हो, उसमें कुछ लिखा हुआ ना हो। और इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मैंने साइड साइड में भी पेपर को लगा लिया है और उसे भी ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। केक बेक होने के लिए हमारा केक टिन तैयार है, ये देखिए। अब जब इसमें केक बनेगा तो केक बहुत आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और लास्ट में मैं 2-4 चम्मच ऑयल ऐड करूँगी बैटर में। ये छोटे चम्मच से मैंने 6 चम्मच लिए हैं और मैं इन्हें धीरे धीरे मिक्स करूँगी हल्के हाथों से। अब ऑयल मिक्स हो गया है, बेक होने के लिए बैटर तैयार है। मैं सारे बैटर को पोर कर लूँगी इस केक टिन में, मतलब वही पतीले में। मेरे लिए तो पतीला और केक टिन एक ही है। कढ़ाई भी काफ़ी अच्छी खासी गर्म हो गई है। अब मैं इसमें स्टैंड रख दूँगी और स्टैंड के ऊपर इस पतीले को रख दूँगी। फिर मैं इसे कवर कर दूँगी। बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर करिएगा कि एयर जो है बिल्कुल बाहर ना जाए। एयर बाहर जाएगा तो केक बेक होने में बहुत टाइम लगेगा। इस केक को बेक होने में 15 से 20 मिनट लगे थे। 20 मिनट में केक बिल्कुल तैयार हो गया था। फ्रेंड्स, आप लीड को बार बार ओपन करके मत देखिएगा, इससे केक ख़राब हो जाता है। केक बेक होने के लिए छोड़ दिया है और मैं मैगी रोल की तैयारी कर रही हूँ। मैगी रोल के लिए मैंने प्याज, टमाटर और एक हरी मिर्च को काटा था। मैं कटिंग करने के बाद जैसे मैगी बनाने गई, फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो गया, इसलिए मैं मैगी बनाने का क्लिप इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ। फ्रेंड्स, मैगी बिल्कुल मैगी की तरह आप बना दीजिएगा, जैसे हम घर में नॉर्मल मैगी बनाते हैं, बिल्कुल हल्का मसाला दे के, बाहरी कोई चीज़ नहीं, सिर्फ मैगी मसाले से ही मैगी को आप तैयार कर लीजिएगा। केक अब बेक हो चुका है, बहुत अच्छी तरीके से बेक हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार बिल्कुल इसे चेक नहीं कर रही थी और ये बिल्कुल अंदर से बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है। मैं आपको दिखाती हूँ नाइफ़ डाल के। ये देखिए, मैंने नाइफ़ को डाला और नाइफ़ बिल्कुल क्लीन बाहर आई है। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बेक हो गया है और बहुत सॉफ़्ट बेक हुआ था। ये देखिए आप, फूला फूला कितना सॉफ़्ट केक तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, केक बिल्कुल अच्छी तरीके से, कलर भी बहुत अच्छा इसका आया है, ब्राउन कलर का है ये, बहुत अच्छा कलर भी इसका आया था। और ये बटर पेपर लगाने से मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं हुई केक को बाहर निकालने के लिए, बहुत आसानी तरीके से केक बाहर आ गया था। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरीके से केक बाहर आ गया है और पेपर भी बहुत आसानी से निकल गया था। पीछे से भी कितना यमी कलर आया है, बिल्कुल अभी मुँह में पानी आ रहा है मेरे। और छवि तो अभी मांगना शुरू कर दी कि मम्मी मुझे दीजिए, छवि रुपेश दोनों मांग रहे थे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सॉफ्ट केक बने हैं। मैं ऊपर का जो इसका जो फूला हुआ लेयर है, मैं उसे निकाल लूँगी और बच्चों को दे दूँगी। फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। इसकी आइसिंग मैं नेक्स्ट डे करूँगी। इसकी आइसिंग का वीडियो मैंने इसमें नहीं डाला है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आइसिंग का वीडियो डालूँगी और आप उसे भी प्लीज़ फुल वॉच करिएगा। फ्रेंड्स, अगर मैं केक की आइसिंग का वीडियो डालती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने उस क्लिप को इसमें ऐड नहीं किया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं रोल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैगी मैंने बना लिया था, अब ब्रेड के किनारों को मैं कट कर लूँगी, सारे ब्रेड के किनारों को कट कर लूँगी मैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करके ढेर सारा प्यार दीजिए अपना, मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिए प्लीज़। फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और प्लीज़ फ्रेंड, मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो
अपने फैमिली मेम्बर में, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए, मुझे सपोर्ट करिए। फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ फ्रेंड, मुझे सपोर्ट करिए और मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए। सारे ब्रेड के किनारों को कट करने के बाद मैं इसे बेल ले रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैं सारे ब्रेड को इसी तरीके से बेल लूँगी और सीट तैयार कर लूँगी। अब इस सीट के अंदर मैंने जो मैगी बनाई है, बीच में मैं उसे रख कर इसे मैं एक रोल का आकार दूँगी, कुछ इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे दबा कर मैं रोल तैयार कर लूँगी ब्रेड का। इसे हल्के हाथों से करिएगा फ्रेंड्स, वरना ये फट भी जाएगा। पहला रोल मेरा फट गया था, ये देखिए। पीछे से तो ठीक था, पर आगे से ये फट गया था। पर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं इसे डीप फ्राई नहीं करूँगी, सिर्फ मैं इसे सेक कर निकाल लूँगी, इसलिए थोड़ा फट गया है तो भी चलेगा। पर अगर डीप फ्राई करना होता तो मैं इसे हटा देती, क्योंकि ये अगर फ्राई होता तो ये तेल में जाते ही खुल जाता और पूरा तेल ख़राब हो जाता। बस ये फर्स्ट वाला ही फट गया था, अच्छा रोल नहीं बना था। बाकी सब अच्छी तरीके से बन गए थे और फटे भी नहीं थे। रोल हो जाने के बाद मैं किनारों को कट कर ले रही हूँ, जो एक्स्ट्रा ब्रेड है, और ये कट करने के बाद बहुत अच्छा दिख रहा है। इसी तरीके से मैं सारे रोल को तैयार कर लूँगी। और मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी, मैं उसमें 3 चम्मच ऑयल डालूँगी। छोटे चम्मच से मैंने ऑयल डाला है, मैंने पहले ही बताया है कि मुझे डीप फ्राई नहीं करना है, मैं सिर्फ इसे सौते करूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है। मैं इसके बाद सारे रोल को मैं इसमें रख दे रही हूँ, और बस ये 2-2 सेकेंड में पूरी अच्छी तरीके से रेड कलर का हो जा रहा था, और मैं इसे पलट ले रही थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरीके से ये रोल तैयार हो गया है। मैगी रोल को बनाने में टाइम तो बहुत कम लगता है, पर ये बहुत टेस्टी बनता है, ये बहुत झट से तैयार हो जाता है। इसी तरीके से बाकी जितने रोल हैं, मैं उन्हें भी सेक लूँगी। मैंने सारे रोल सेक लिए हैं, और ये देखिए फ्रेंड्स, अब खाने की बारी है, और आप भी खा लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरीके से सिक गया है। बच्चे भी खा रहे थे, उन्हें बहुत पसंद आया ये। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरीके का नाश्ता बच्चों को बहुत पसंद आता है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।